बच्चों के इस्लामी नाम के सिलसिले में बहुत सारे नाम हम लोगों ने सीखे माना और मतलब के साथ। आज एक मतलब और सीखते हैं, वो नाम रखना चाहिए या नहीं। जैसे कि शारिक और सारिक, शीन अलिफ रा काफ, ये बड़ी शीन है नुक्ते के साथ लिखी जाती है। वो इसका मतलब होता है रोशन, आफताब। डिस्क्रिप्शन में सारी लुगतों के साथ इसकी मीनिंग दी है। ये नाम मोहम्मद शारिक, शारिक अहमद, शारिक रज़ा रखा जा सकता है। लेकिन अगर इसका नुक्ता हटा दिया जाए और सिर्फ शारिक रहे तो इसका मतलब होता है चोर। ये नाम बिल्कुल ना रखे जाए। शारिक कुरान पाक में भी आया है, अस्सारिको वस्सारिकतो, यानी चोर और चोरनी। तो ये मालूमात ना होने की बुनियाद पर लोग ये नाम रख देते हैं। और जब इंग्लिश में भी इसको लिखाया जाए तो एस और एच ये दोनों साथ में लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है शीन। और सिर्फ एस लिखे तो इसका मतलब होता है सीन। इंग्लिश में भी लिखाते वक्त तो ध्यान रखे ताकि बड़ी शीन ही का मतलब निकले, छोटी सीन का मतलब ना निकले। इससे मतलब में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। बड़ी शीन से मुराद रोशन आफ्ताब और छोटी सीन से मुराद चोर है, इस पर ध्यान रखें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं।